ये हंसते मुस्कुराते बच्चे और ये खुशियां हर घर की रौनकें। लेकिन लाखों घरों में ये रौनकें मांद पड़ी हैं, जिसकी वजह इनकी रोजमर्रा गिजा में अहम मिनरल्स और विटामिन्स की कमी है। क्या आपके बच्चे की गिजाई जरूरियात पूरी हो रही हैं? रजिया एक है मगर अकेली नहीं। पाकिस्तान में लाखों माएं अपने और अपने बच्चों की सेहत से परेशान हैं। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान गिजाइयत की कमी के शिकार चंद बड़े मुल्कों में शामिल है और वक्त गुजरने के साथ साथ हालात अबतर हो रहे हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ज्यादातर नजर नहीं आती। इसका ताल्लुक एक पोशीदा भूख से है, जो गिजाइयत की कमी की एक शक्ल है। ज्यादातर बच्चों में जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी की कमी होती है, जिससे बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है और बच्चा सुस्त, जहनी तौर पर कमजोर और स्कूल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। दूध पिलाने वाली माओं, हमला खवातीन और बलूगत को पहुंचने वाली लड़कियों को ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है। पैदाइश के बाद 2 साल बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अहम होते हैं, लिहाजा सेहतमंद घराने की तश्कील के लिए मिनरल्स और विटामिन से भरपूर गिजा का होना जरूरी है। गंदुम का फोर्टिफाइड आटा, खुर्दी तेल और घी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी दूर करने में मददगार हो सकता है। इसीलिए दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी गिजाइयत की कमी पूरा करने के लिए गंदुम के आटे में फोलात, फॉलिक एसिड, जिंक और विटामिन B12, जबकि घी और खुर्दनी तेल में विटामिन ए और विटामिन डी शामिल करके इसे फोर्टिफाइड यानी इजाफी गिजाइयत का हामिल बनाया जा रहा है। गंदुम के फोर्टिफाइड आटे के बाकायदा इस्तेमाल से घर के तमाम अफराद सेहतमंद और जहनी तौर पर एक्टिव रहते हैं। बच्चों की नशोनुमा बेहतर और उनमें खेल कूद के साथ साथ सीखने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। जबकि फोर्टिफाइड घी और खुर्दनी तेल के बाकायदा इस्तेमाल से बच्चों की बिनाई में बेहतरी और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है। कहीं भी ये खुशियां मानना पड़े। मैं हूं मिस्टर भरपूर और मैं आपको फोर्टिफाइड आटा, खुर्दनी तेल और घी इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूं। आटा, खुर्दनी तेल और घी खरीदते वक्त ये निशान हमेशा याद रखें। गंदम का फोर्टिफाइड आटा, खुर्दनी तेल और घी, सेहत से भरपूर जिंदगी।